हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये डॉग फ्लावर मेरे अभी भी मई मंथ में भी फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये डाइंथस भी बहुत ब्यूटीफुल फ्लावरिंग इसकी हो रही है। बस हमें इसको पिंच करते रहना चाहिए तो हमारा ये प्लांट सेव हो जाता है पूरा साल। और इसको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है, सिंपल पानी ही आप डालें। लेकिन आज हम फ्लावरिंग की बात ना करके आज हम करेंगे अपने लेमन ट्री के फ्लावर्स के बारे में। और ये लेमन ट्री की जो फ्लावरिंग है अभी इस मंथ में बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत अच्छे से ब्लूम इसके हो रहे हैं और ये फ्रूटिंग भी इसकी कहीं कहीं पर स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अपने लेमन ट्री को पॉट में लगाया हुआ है और ये 50 लीटर का ये पॉट है। इसमें पहले मैंने अपने अमरूद का प्लांट लगाया था और लेमन ट्री के प्लांट को ज़्यादा प्रूनिंग पसंद नहीं है, बस इसकी सूखी हुई लकड़ियों को ही हमें प्रून करना चाहिए। इसके पत्ते ज़्यादा नहीं झाड़ने चाहिए। अगर हम इसके पत्ते ग्रीन लीव्स इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो हमारे फ्लावर्स मैक्सिमम होंगे और हमारी फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। इसमें मेरे सिलोशिया का भी कुछ सीड्स गिरने से प्लांट्स सूख रहे हैं और ये देखिए ये इतने बड़े प्लांटर में, प्लास्टिक के प्लांटर में मैंने इसे ग्रो कर रखा है। आप भी इसको बड़े से बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये अच्छी आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देगा ये प्लांट। जब इसके फ्लावर्स अच्छे से ग्रो होने लगे तो हमें इसके पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा वाटरिंग करने से इसके फ्लावर्स जड़ जाते हैं तो फ्रूटिंग भी नहीं अच्छे से हो पाती और साथ में ही इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ही होती है। आप इस फुल सन में रखें तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। चलिए अब इसके प्लांटर को थोड़ा सा हम पेंट कर लेते हैं और एक अच्छी सी न्यू लुक दे देते हैं इसको, ताकि ये बहुत सुंदर लगे देखने में हमारा ट्री भी और ये हमारा प्लांटर भी। और बहुत इजीली तरीके से मैंने इसको फैविक्रिल कलर के साथ इसमें सिर्फ मैंने आईज और एक फेस ड्रॉ करने की कोशिश की है, जिससे मेरा प्लांटर देखने में बहुत खूबसूरत लगे और हमारा टेरेस गार्डन भी सज जाए। आप भी देखिए इसको और आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं।